बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया है कि दक्षिण चीन के द्वीपों पर चीन जो अपना एक ऐतिहासिक अधिकार मानता है, ऐसा कोई अधिकार चीन के पास है ही नहीं। न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि चीन के पास 9-लाइन के भीतर पड़ने वाले समुद्री इलाकों पर ऐतिहासिक अधिकार जताने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत ने एक बयान में यह बात कही। फिलीपींस ने संयम का आग्रह करते हुए फैसले का स्वागत किया है। इस मुद्दे पर फिलीपींस ने चीन के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण के फैसले पर भारत अध्ययन कर रहा है, जिसने आज फैसला दिया कि दक्षिण चीन सागर में चीन के पास ऐतिहासिक अधिकार का दावा करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। दक्षिण चीन सागर को लेकर फिलीपींस के साथ चीन के विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में पूछने पर सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भारत फैसले का अध्ययन कर रहा है। स्थायी मध्यस्थता अदालत ने एक बयान में कहा कि 9-लाइन के तहत आने वाले समुद्री इलाकों पर ऐतिहासिक दावा करने के लिए चीन के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। चीन ने कहा है कि वह फैसले को ना तो स्वीकार करता है और ना ही इसे मान्यता देता है। अमेरिका के मिशिगन में एक अदालत परिसर में एक कैदी ने 2 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी, जबकि जवाबी कार्यवाही में वह हमलावर भी मारा गया। शिकागो के बेरियन काउंटी के शेरी पॉल बेली ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि शिकागो से लगभग 160 किलोमीटर दूर सेंट जोसेफ सिटी में बेरियन काउंटी अदालत परिसर में हुई। इसमें एक उप पुलिसकर्मी और एक नागरिक भी घायल हुआ। यह घटना अदालत की तीसरी मंजिल पर दोपहर 2:25 उस समय पर हुई जब कैदी को अदालत में पेश किया जा रहा था। उसने अचानक ही एक पुलिस की बंदूक छीन ली और गोली चला दी। हालांकि अभी तक कैदी की पहचान उजागर नहीं हुई, लेकिन वेली का कहना है कि यह कैदी कई मामलों में पुलिस हिरासत में था। उन्होंने कहा, उप पुलिसकर्मी को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच चल रही है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जनमत संग्रह कराने की मांग की है, ताकि अब फैसला हो सके कि वहाँ के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। शरीफ ने एक बयान में सुरक्षा बलों द्वारा शुक्रवार को एक मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान बानी को मार गिराए जाने पर भी चिंता और गहरा दुख जताया है। बानी की हत्या के बाद से कश्मीर घाटी में हिंसा व्याप्त है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक शरीफ ने एक बयान में कहा कि भारतीय बलों द्वारा नागरिकों का नरसंहार और कश्मीर के खिलाफ क्रूर बल का प्रयोग अफसोसजनक है। शरीफ ने भारत के अधिकार वाले कश्मीर में मानवाधिकारों का सम्मान करने को कहा है। शरीफ ने कहा है कि निहत्ते कश्मीरियों को बंदूक की नोक पर उन जायज आत्मनिर्णय के संघर्ष से रोका नहीं जा सकता। शरीफ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय का अधिकार न्यायोचित है। शरीफ ने भारत से पाकिस्तान या भारत के साथ भावी संबद्धता के लिए लोगों की इच्छा जानने के जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के अपने वादे को पूरा करने का आग्रह किया है। शरीफ ने कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को घर में नजरबंद किए जाने पर भी चिंता जताई। नरेंद्र मोदी के केन्या विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच में 7 समझौते हुए। मोदी ने केन्या को 30 फील्ड एम्बुलेंस गिफ्ट में दी हैं। मोदी ने कहा कि आर्थिक तरक्की के लिए दुनिया को आतंक से मुक्त कराना होगा, लोगों और समाज को सिक्योरिटी देनी होगी, कट्टरपंथी आइडियोलॉजी के खिलाफ दुनिया भर के यूथ अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। इससे पहले केन्या के साथ समझौते साइन होने के बाद मोदी ने कहा, दोनों देशों के रिश्ते बहुत पुराने हैं, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष हमारी साझा विरासत है, आतंकवाद दोनों देशों के लिए एक चुनौती है, साइबर सिक्योरिटी, कॉम्बैटिंग ड्रग्स, नैक्रोटिक्स और ह्यूमन ट्रैफिक के मसले पर सहयोग को लेकर हम रजामंद हैं। मैं और प्रेसिडेंट इंडियन कम्युनिटी से इंटरेक्शन को नहीं भूल सकते। डेवलपमेंट को लेकर कई लेवल पर जारी सहयोग बायलैटरल रिलेशनशिप का मुख्य आधार स्तंभ है। हमारे शोध केवल हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है, बल्कि इनसे दूर डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों की लाइफ भी सुधरेगी। भारत केन्या के साथ अपनी विशेषज्ञता और अनुभव बांटने को तैयार है, ताकि वह विकास के अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। भारत केन्या का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर होने के साथ ही यहाँ दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी है। पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी ने देश में तख्ता पलट के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। पंजाब की मूव ऑन पार्टी ने 13 शहरों में पोस्टर्स और बैनर्स लगाए हैं। मूव ऑन पाकिस्तान पार्टी लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद,
सरगोथा समेत 13 शहरों में पोस्टर और बैनर लगवाए हैं। इसमें आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने देश में तख्ता पलट करने और टेक्नोक्रेट्स की सरकार बनाने की मांग की गई है। कराची में ये बैनर सीएम हाउस से लेकर रेंजर्स हेडक्वार्टर तक ट्रैफिक चौराहों और सड़क के किनारे लगे हैं। पार्टी के सेंट्रल चीफ अली हाशमी ने मीडिया से कहा, कैंपन का मकसद आर्मी चीफ को ये सुझाव देना है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू करें, इसके बाद देश में टेक्नोक्रेट्स की सरकार बनानी चाहिए और उसका सुपरविजन खुद जनरल राहिल करें। हाशमी के मुताबिक 40 से ज्यादा दिन तक पीएम नवाज शरीफ की देश में गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये पोस्टर और बैनर रातों रात 13 शहरों की सभी मुख्य जगहों पर लग गए थे, यहाँ तक कि ये कैंट एरिया में भी लग गए, वो भी तब जबकि वहाँ कई चेक पॉइंट्स और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मौजूद थी। हाशमी का कहना है कि उनकी पार्टी के बैनर लाहौर और फैसलाबाद में सुबह उतार दिए गए थे। हमारे प्रोग्राम देश विदेश में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार 9/24।